हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रागिनी, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिए। इससे मैं जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी और आप मेरी अपलोड की हुई रेसिपी को बहुत ईजिली देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मतलब रेसिपी को पूरा देखिएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने बिना बताए कि ये रोटी की रेसिपी है किसी को ये नाश्ता खाने को दिया तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये नाश्ता रोटी से बनी हुई है। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये रोटी के पकौड़े कि किसी भी ब्रेड पकौड़े को फेल कर सकते हैं। साथ में रोटी की है तो हेल्दी भी है, और इसके साथ में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस रेसिपी को कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 रोटी ले ली थी और उसके ऊपर हमें एक स्टफिंग लगानी है, जिसके लिए मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आपकी रोटी पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी ज़्यादा रोटी ली है। अगर रोटी ज़्यादा है तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आलू को अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लेना है। इसमें धनिया का पत्ता, लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, बच्चों को अगर बना रहे बच्चों के लिए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला और सारी चीज़ें मिला करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बनती है, नमक, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पत्ते के साथ आलू में मिक्स करके। तो इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे एक रोटी हमें लेनी है, और ये जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई है, ये आलू की जो फिलिंग्स बनाई है, ये हमें रोटी के ऊपर लगाना है। तो ये बहुत ही इजीली लग जाता है। अगर आपको लगे कि इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसे फैला लीजिए, वैसे कोई इशू नहीं होता। अब हमें क्या करना है, इसे हमें 8 टुकड़ों में कट करना है। पहले एक रोटी के हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 से हम उसके फिर 3 टुकड़े करेंगे, बिल्कुल जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और ऐसे ट्रायंगल शेप में हम इसे कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। जो ब्रेड पकौड़ा हम मार्केट से लाते हैं या ब्रेड के जो पकौड़े बनाते हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरह से दिखते हैं। तो जब मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम पर डाला था ये क्या है, तो बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाए कि ये रोटी का नाश्ता होगा, सब लोग ने ब्रेड पकौड़ा कहा था, पर ये ब्रेड पकौड़ा नहीं, ये रोटी से बना हुआ नाश्ता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि सारी रोटियों को, मतलब रोटी पे मैंने आलू की स्टफिंग लगा के इस तरह से कट कर ली है, और सारे रोटियों को इसी तरह से हमें लगा के कट कर लेना है। आलू का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसे हमें थोड़ा मोटा ही लगाना है, बहुत पतला नहीं लगाना। अब बेसन में हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे जैसा कि मैंने आपको बताया तो स्किप कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसके बाद में थोड़े से करी पत्ते डालेंगे जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हरे धनिया का पत्ता डालेंगे, और इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे जो कि डाइजेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे हाथों से थोड़ा सा रगड़ के इसे ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसका एक घोल बना के रेडी कर लेंगे। जो हमने रोटी पे आलू का बैटर, आलू का मिक्सचर लगा के साइड में रखा था वो हम इसमें डीप करेंगे और तेल में डालेंगे, बिल्कुल जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम रोटी को उठा लेंगे और बेसन के घोल में इस तरह से डीप कर लेंगे, और इसके बाद में हम इसे तेल में डीप फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो एक बार में जितनी रोटी या जितने पकौड़े आ जाए उतना आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, और बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं। तो इसे पकाने के लिए जो आपको एक खास ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप इसे पकाने के लिए तेल में डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा ठंडा रहेगा ना तो ये रोटी बहुत ज़्यादा तेल पी जाएंगे और ये आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर तेल अच्छे से गर्म रहेगा तो ये जाते ही तेल में अच्छे से ऊपर तैरने लगेंगे और 2 मिनट के अंदर ही पक के रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसे पकाने में नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो मतलब 2 से 3 मिनट में हमारे एक बार का जो रोटी का पकौड़ा है ये बन के तैयार हो चुका है। तो कभी क्या होता है, अचानक से घर पर मेहमान आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो अगर आपके घर में रोटी बची हुई है ना तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये। इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना टेस्टी ये दिख रहा है ना उससे ज़्यादा स्वादिष्ट ये खाने में है। जब मैंने इसे घर पे बना के सर्व किया, सबको दिया, तो कोई बता ही नहीं पाया कि ये रोटी का है सिवाय मम्मी के। मम्मी ने देखा था मुझे ये बनाते हुए, इसलिए उनको पता चल गया कि ये रोटी का है, बाकी किसी को नहीं पता चला। और मम्मी ने भी यही कहा कि किसी लगता नहीं कि ये रोटी का है। तो आप भी ट्राई करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर।